टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टी20 मैचों की सीरीज खेली, लेकिन बारिश के चलते दो मैच जहां रद्द हो गए तो बाकी दो मैचों में बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बुरी तरह हार मिली। इस तरह टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंग्लैंड दौरे पर एक भी मैच नहीं जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने जमकर कोसा। बाबर आजम की टीम को इंग्लैंड के सामने जब 0-2 से हार का सामना करना पड़ा तो चारों तरफ उसकी जमकर आलोचना हो रही है। इस कड़ी में रमीज राजा ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि उन्हें अब टीम के साथ एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए, बल्कि मैच खेलने के लिए एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। आपको स्ट्राइक रेट के डर से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास उस तरह के खिलाड़ी नहीं है, इसलिए आपने इस टीम का सत्यानाश कर दिया है। रमीज राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और रिजवान को तोड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मिडिल ऑर्डर में किसका क्या रोल है कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने बीच में ऑलराउंडर्स भर रखे हैं और दो विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं। तेज गेंदबाजों में भी लगातार बदलाव हो रहा है और आपके स्पिनर्स विकेट नहीं चटका रहे हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। आपने टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी टीम को एक तरह से ध्वस्त कर डाला। पाकिस्तान टीम की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ 4 टी20 मैचों की सीरीज के चलते उनके पास टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अभ्यास मैच खेलने का मौका नहीं बचा, जिसके चलते बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम अब अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होने वाले मैच से आगाज करेगी, जबकि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को न्यूयॉर्क में बड़ा मुकाबला खेला जाना है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान टीम का फॉर्म में ना होना बाबर आजम के लिए चिंता का विषय है, और ये वही पाकिस्तान टीम है जिन्होंने आयरलैंड से सीरीज में अपना पहला मुकाबला हार चुकी थी। उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को हराया जरूर, बट उसके बाद इंग्लैंड से जिस तरह से 2-0 से ये लोग सीरीज में हारे हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान टीम का इस बार टी20 वर्ल्ड कप में जो सफर है वो शायद सुपर 8 तक ही हो पाएगा, क्योंकि अगर आप बात करें लीग मैचेस की तो वहां पर तो पाकिस्तान के पास मौका है सुपर 8 में जाने का। एक भारत के अलावा कोई भी तगड़ी टीम नहीं है उस ग्रुप में जहां पर पाकिस्तान शायद हार जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से है, पाकिस्तान का मुकाबला USA से है और पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा से है। अगर पाकिस्तान भारत से हार भी जाता है तो भी उसके पास 3 मुकाबले बचते हैं, जिनमें से उसे सिर्फ 2 मैच जीतने की जरूरत है, जिसके थ्रू वो सुपर 8 में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन सुपर 8 में पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम लड़खड़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह का फॉर्म पाकिस्तान टीम लेकर आ रही है, चाहे वो आयरलैंड से सीरीज की बात करें या फिर इंग्लैंड से सीरीज की बात करें, ऐसा लग रहा है कि मानो सुपर 8 तक ही बाबर आजम की इस टीम का सफर जो है वो खत्म हो जाएगा, और शायद इसके बाद पाकिस्तान टीम एक बार फिर सोचे कि बाबर आजम को कप्तानी देना सही था या गलत फैसला था।